आज मैं आपको सबसे बेस्ट एंड सबसे अफोर्डेबल गेमिंग कीबोर्ड और माउस के बारे में बताने वाला हूँ कि आपके बजट में सबसे बेस्ट गेमिंग और कीबोर्ड माउस कौन सा आने वाला है। इस वीडियो में आपको दो ऐसे गेमिंग कीबोर्ड माउस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अफोर्डेबल भी है, जिसकी क्वालिटी भी बेस्ट है और वो कीबोर्ड माउस आपके बजट में भी आने वाला है। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज मैं आपको दो ऐसे अफोर्डेबल गेमिंग कीबोर्ड माउस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके बजट में भी आएगा और आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस हो सकेगा। तो पहले नंबर का जो कीबोर्ड माउस है वो सबसे पॉपुलर ब्रांड है, सबसे पॉपुलर मॉडल है जो ज्यादातर गेमर्स लोग पसंद करते हैं, जिसका मॉडल है ज़ेब्रोनिक्स का ज़ेब ट्रांसफॉर्मर गेमिंग कीबोर्ड माउस। इसका सर्फेस जो है वो मेटल बॉडी का, यानी काफी प्रीमियम लुक बनाता है, देखने में भी काफी यूनिक लगता है। साथ ही आपको 4 RGB मॉड्यूल देखने को मिलते हैं इसके कीबोर्ड में। साथ ही इस कीबोर्ड में आपको फंक्शन बटन मिल जाते हैं जो कि अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस कीबोर्ड माउस में जो वायर देखने को मिलता है वो काफी प्रीमियम लुक का वायर है, काफी लंबा वायर है, 1.8 मीटर का कीबोर्ड और माउस दोनों का लंबा वायर है। साथ ही वायर की क्वालिटी भी काफी बेहतर है, USB कनेक्टर भी काफी मजबूत प्रीमियम लुक का दिया हुआ है। साथ ही मैंने जैसा कि बताया कि इसका जो सरफेस है वो मेटल बॉडी का, यानी कीबोर्ड का जो सरफेस है, माउस का जो सरफेस है वो मेटल बॉडी का है, तो एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है, काफी कंफर्टेबल कीबोर्ड और माउस है। उसके बाद इसमें जो माउस को मिलता है, इसमें आपको 6 buttons देखने को मिलते हैं। पहला लेफ्ट राइट बटन जो होता है वो रहता है, बीच में जो रहता है वो स्क्रॉल बटन रहता है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड का बटन मिलता है। अगर आप इस माउस का गेम्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो फायर करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल होगा। बीच में जो एक सेंटर बटन दिया है जिससे आप DPI कंट्रोल कर सकते हैं। इस माउस में सबसे मैक्सिमम DPI 3200 का देखने को मिलता है, यानी कि आप इस माउस से गेमिंग करते हैं तो आपको काफी बेहतर एक्सपीरियंस होने वाला है। इसका प्राइस अराउंड 1200 से लेकर 1300 के बीच में रहता है। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। इसकी वारंटी आपको 1 साल की देखने को मिलती है। ये कीबोर्ड माउस इस बजट वेरिएंट में सबसे बेस्ट कीबोर्ड माउस है, जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, ज्यादातर गेमर्स इस कीबोर्ड माउस को प्रेफर करते हैं, तो ये कीबोर्ड माउस आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। अगर आप बजट फ्रेंडली कीबोर्ड माउस लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट कीबोर्ड माउस होने वाला है। अगर आप भी कोई कस्टम PC बिल्ड करवाना चाहते हैं, गेमिंग PC, एडिटिंग PC, ट्रेडिंग PC या आप अपने पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, CCTV कैमरा या IT से रिलेटेड कोई भी पार्ट्स परचेस करना चाहते हैं तो हमारे पास आपको बेस्ट प्राइस में जेन्युइन प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ऐसे हमारा ऑफलाइन स्टोर रांची झारखंड में है NCL कंप्यूटर के नाम से। अगर आप हमारे स्टोर आकर के प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो स्टोर का सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं, हमारे वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.nclcomputer.com। और अगर आप कोई PC EMI में भी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो हमारे पास EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपका कोई कस्टम रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी में कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिख रहा होगा, वहां से आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला जो गेमिंग कीबोर्ड माउस है वो है एंट स्पोर्ट्स ब्रांड की तरफ से आने वाला, जिसका मॉडल है KM1650। ये मॉडल भी काफी पॉपुलर है, बजट फ्रेंडली है। ये 900 रुपए के आसपास आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये कीबोर्ड माउस फाइबर बॉडी की होती है, इसमें मेटल का कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बजट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। साथ ही ये कीबोर्ड माउस आपको एक प्रीमियम लुक देखने को मिलता है, काफी कंफर्टेबल माउस है, काफी कंफर्टेबल कीबोर्ड है। साथ ही इस माउस में भी आपको मैक्सिमम 3200 DPI देखने को मिलता है, यानी मैक्सिमम 3200 DPI तक इसको आप ले जा सकते हैं। इसमें भी आपको 6 बटन देखने को मिलते हैं। टॉप में आपको DPI कंट्रोल का बटन देखने को मिलता है, लेफ्ट राइट बटन है, बीच में स्क्रॉल करने वाला बटन है, लेफ्ट साइड में आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन देखने को मिलता है। इस कीबोर्ड माउस की भी वारंटी आपको 1 साल की देखने को मिलती है, जो कि एंट स्पोर्ट्स के सर्विस सेंटर से आप ले सकते हैं। साथ ही एंट स्पोर्ट्स ब्रांड भी काफी पॉपुलर ब्रांड्स है। इस ब्रांड का गेमिंग प्रोडक्ट्स काफी मार्केट में आते हैं जो कि काफी बजट फ्रेंडली होते हैं। तो बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 900 रुपए के आसपास ये कीबोर्ड आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये दोनों कीबोर्ड जो मैंने आपको बताया है काफी पॉपुलर है, बजट फ्रेंडली है, 1 ईयर की वारंटी आपको दोनों कीबोर्ड में देखने को मिलती है। साथ ही अभी सबसे ट्रेंड में ये दोनों कीबोर्ड बजट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इन दोनों कीबोर्ड माउस के परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।